मरियम औरंगजेब ने कौमी यकजहती कायम करने के लिए इमरान खान को जहनी तौर पर वजीर आजम बनने का मशवरा दे दिया। कहा कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुल्क इस वक्त इमरान खान की तरफ देख रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मुल्क को इस वक्त कौमी यकजहती इत्तेहाद और एक होने की जरूरत है। कौमी यकजहती इत्तेहाद और विफाक की अकालियों को साथ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की है, लेकिन अपने वजरा के जरिए दूसरे पार्टी रहनुमाओं और जमातों को चोर कहने और गालियाँ देने से कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की सारी तवज्जो इस वक्त डॉक्टर्स, तिब्बी अमले की हिफाजत, मजदूर, दिहाड़ीदार और गरीब तबके की तरफ होना चाहिए। इस वक्त एक विजन, वाज़े सोच और पूरे पाकिस्तान के लिए एक हिकमत अमली की जरूरत है। मुल्क इस वक्त इमरान खान की तरफ देख रहा है। लॉकडाउन के साथ सूबों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलकर मुतबादल मौशी और रिलीफ हिकमत अमली देना होगी। कौमी यकजहती कायम करने के लिए इमरान खान को ज़हनी तौर पर मुल्क का वज़ीर आज़म बनना होगा।